गुड मॉर्निंग। आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स में हॉस्टेल्स एंड फर्म्स आते हैं। ये मोस्टली यूज होते हैं मेडिकल पर्पसेस के लिए एज सॉयल बाइंडर्स की तरह, और फ्रीक्वेंटली इनको ग्रोन किया जाता है ऑर्नामेंटल्स के लिए भी। और ये फर्स्ट टेरिस्टियल प्लांट्स हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज हैं। वैस्कुलर टिश्यूज मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। तो टेरिडोफाइट्स कूल डैम शेडी प्लेसेस में मिलते हैं और कुछ सैंडी सॉयल कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है लाइफ साइकिल में वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीफ नहीं थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे। तो जो लीव्स हैं टेरिडोफाइटा में दे आर स्मॉल। When they are small, they are known as microphylls. For example, in Selaginella. When they are large, they are known as macrophylls. For example, in ferns. Sporophytes में sporangia होंगे, जो एक leaf-like appendages जिसमें आपको दिखेगा, जिसको sporophyll बोलेंगे। In some cases, sporophylls may form distinct compact structures called strobili or cones. For example, in Selaginella equisetum, तो जो sporangia है वो spores produce करेगा by meiosis in spore mother cells. और ये जो spores हैं ये जर्मिनेट करेंगे टू गिव राइज इन कॉन्स्पिकुअस स्मॉल एंड मल्टी सेलुलर। दीज आर द डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट टेरिडोफाइट्स, वी विल डिस्कस अबाउट देम। सो फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉयड गैमेटोफाइट बनाते हैं स्पोर्स, जिसको बोलते हैं प्रोथेलस। और ये जो गैमेटोफाइट्स हैं इनको कूल डैम शेडी प्लेसेस की जरूरत होती है टू ग्रो। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे स्प्रेड the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions, क्योंकि इनको पानी की जरूरत होती है fertilization के लिए। Gametophyte में male, female sex organs आपको मिलेंगे। Male sex organ को anthridia बोलते हैं और female को archegonia। Water एंथ्रेजॉइड्स को ट्रांसफर करते हैं, जो कि मेल गैमीट है जो एंथ्रीडिया रिलीज कर रहा है, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। तो जब एंथ्रीडियम एंथ्रेजॉइड्स रिलीज कर रहे हैं, वो वाटर के जरिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि आर्किगोनियम है वहां जा रहा है, तो वहां पर फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम होता है और वहां पर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। जाइगोट प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। तो हमें पता है कि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट फेज है, और जितने भी मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स हैं ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड्स। तो जब स्पोर्स सिमिलर काइंड होते हैं तो उस कंडीशन को, उन प्लांट्स को बोलते हैं होमोस्पोरस। जेनेरा लाइक सेलेंजिनेला
सेल्वेनिया ये दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज स्पोर्स क्या कहते हैं, मैक्रोस्पोर्स। स्मॉल स्पोर्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, और ऐसे प्लांट्स को हेटरोस्पोरस बोलते हैं। तो हेटरोस्पोरस वो प्लांट्स हैं जो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। इसका मतलब मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट जर्मिनेट होगा और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट जनरेट होगा। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन रहता है फॉर वेरिएबल पीरियड्स, और जो डेवलपमेंट है जायगोट का इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। और ये जो इवेंट है ये एक्चुअली प्रीकर्सर है टू द सीड हैबिट, कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। मतलब ये मान के चलते हैं कि सीड फॉर्मेशन इसी तरह से रहा होगा, यही जाके इवॉल्व हुए जो सीड बनाया। कैरिडोफाइट्स की तीन चार क्लासेस मेन हम पढ़ते हैं, एक है सेलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, थर्ड है सिनोप्सिडा एंड फोर्थ वन इज टेरोप्सिडा। इनके एग्जाम्पल में डायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम और इसका इक्विसेटम है। अब अगर हम डायग्राम पे एक नजर डालें तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये अगर आप देखेंगे ये स्टेम है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स हैं, रूट्स हैं, ये कोन बना रहे हैं, स्ट्रोबिलस सिंगुलर, स्ट्रोबिलाई प्लूरल फॉर्म, नोड्स हैं जहाँ से लीव्स अराइज हो रही हैं, और दो नोड के बीच का रीजन इंटरनोड कहलाता है। ये ब्रांच्ड हैं, राइजोम है, ये आपको फर्न तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, और ये जो है सेल्विनिया है। तो ये टेरिडोफाइट की करेक्टरिस्टिक है कि इसमें स्पोरोफाइट जो फेस होती है वो डोमिनेंट होती है और गैमेटोफाइट फेस जो है डोमिनेंट नहीं होती। दूसरा ग्रुप आता है प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो वो प्लांट्स जिसमें ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो प्लांट्स जिम्नोस्पर्म में आते हैं। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज दे आर नेकेड। सो जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्रीज आते हैं, टॉल ट्रीज आते हैं, शर्ब्स आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स जो है एक जायंट रेडवुड ट्री है जो कि एक्सेप्शनली टॉल है, सिक्वेशिया। ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। जो रूट्स हैं वो टैप रूट्स आते हैं, और रूट्स इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन। जैसे आपने सिम्बायोटिक में दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन पढ़ा था, फंगस का एंड एल्गा का, यहाँ पर फंगस का और जिम्नोस्पर्म का एसोसिएशन माइकोराइजा बोलते हैं, पाइनस प्लांट की रूट्स के साथ इसका एसोसिएशन होता है। कुछ दूसरे प्लांट्स जैसे साइकस, उसमें स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक, ऊपर वाले केस में पाइनस ने फंगस के साथ एसोसिएशन किया, वो माइकोराइजा बोला। साइकस ने नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन किया, वो कोरेलॉइड बोला। स्टेम्स अनब्रांच्ड देखे गए हैं, साइकस एग्जाम्पल है। ब्रांच अगर है तो वो पाइनस, सिड्रस। लीव्स दो तरह की होती हैं, सिंपल या कंपाउंड। साइकस में पिन्नेट लीव्स दिखेंगी, कुछ इयर्स तक परसिस्ट करती है। तो एक
एक यूनिक बात है कि जो लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म की वो वेल एडेप्टेड हैं टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. इन कॉनिफर्स निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया. तो जब वो सरफेस एरिया कम कर देंगे तो फिर अगर वहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं या स्नोफॉल हो रही है तो वो वहां पर उसको बेयर कर पाएगी, क्योंकि निडल लाइक है वो उस पर जमेगी नहीं. देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा आर हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस. तो यहां पर जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस है, इट मीन्स दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मेल स्पोर माइक्रोस्पोर्स, फीमेल मेगास्पोर्स. ये स्पोरेंजिया पे प्रोड्यूस होते हैं और बॉर्न होते हैं स्पोरोफाइल्स पे, जो स्पाइरली अरेंज होती हैं अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट स्टोबिली और कोन्स. तो माइक्रोस्पोरोफिल्स और में ये मेल स्टोबिलाई है जो मेल स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, ये दूसरा अगर हम बात करें, ये जो रिड्यूस गैमेटोफाइट बनाएगा वो कहलाएगा पोलन ग्रेन. एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया. द कोन्स बेयरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई. इसका मतलब मेगास्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मेगास्पोर्स करेंगे और जो मेल और फीमेल कोन्स हैं वो या तो सेम ट्री पे बॉर्न हो रहे हैं जैसे पाइनस में देख रहे हैं आप, या डिफरेंट ट्रीज पे हो रहे हैं जैसे साइकस में. और जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफरेंशिएटेड होगी सिंगल सेल से या वन ऑफ द सेल से ऑफ द न्यूसिलस. और न्यूसिलस जो है वो एक प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल. ठीक है, तो न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल. ओव्यूल मेगास्पोरोफिल पे बॉर्न कर रहे हैं, क्लस्टर्स में बने हैं और कोन बना रहे हैं. और मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके फोर मेगास्पोर्स बनाएंगे, मियोसिस होगा इसमें. और वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम और न्यूसिलस ये बनाता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स टू और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. ठीक, तो जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रहता है मेगास्पोरेंजियम में. अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, जबकि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स में है. इसमें क्या होता है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स. पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स. अब पोलन ट्यूब जाती है जो मेल गैमीट्स जिसमें है वो आर्किगोनिया की तरफ ग्रो करती है जिसमें ओव्यूल्स हैं, और अपना कंटेंट उसके माउथ पर आर्किगोनिया के माउथ पर डिस्चार्ज कर देती है. फिर मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, जाइगोट फॉर्म होता है, फिर जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप करते हैं सीड्स में, सीड्स कवर्ड नहीं है. तो ये अगर आप डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम जिम्नोस्पर्म्स का है और यहाँ पे आपको दो तरह के शूट्स दिखेंगे, ड्वार्फ एंड लॉन्ग, और सीड्स आप नेकेड सीड्स हैं, फ्रूट में एनक्लोज नहीं होते. तो पहला साइकस है, दूसरा ये पाइनस है, और ये थर्ड वन इज
गिंगो। अब ये जिम्नोस्पर्म के बारे में है। नेक्स्ट क्लास में हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे।